नमस्कार दोस्तों, मैं हूं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ ते। इस वीडियो विच डिजिटल लिटरेसी दे कंप्यूटर फंडामेंटल दे आने वाले इंपोर्टेंट एमसीक्यू कवर किए हुए हैं। जल्दी नाल कापी पेन चक लो ते राइट डाउन कर लो। एंड उस तो पहले की करना तुसी चैनल नू सब्सक्राइब ते वीडियो नू लाइक भी कर लियो। पहले सब्सक्राइब चैनल, हुण आपां स्टार्ट कर दे। क्वेश्चन नंबर एक, यूनिवैक की है? नीचे चार ऑप्शन ने, जे तुहानू पता है वीडियो नू पॉज करके कमेंट कर दियो। तां यूनिवैक की है दोस्तों? यह यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर है, मतलब कि यह कंप्यूटर का नाम है यूनिवैक। क्वेश्चन नंबर एक का जो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखियो। क्वेश्चन नंबर दो की गल करिए, कंप्यूटर द्वारा दिते जाने वाले मुढ़ले कार्य कौन से ने? किए जाने वाले मेन काम की है कंप्यूटर के? तो कंप्यूटर की करता है? अंक गिणित भी करता है, मतलब मैथमैटिक भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, स्टोरेज भी रखता अपनी फाइल, तो यह सारे काम करता है कंप्यूटर। तो अपना राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर दिते सब, मतलब कि सब कुछ करता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर का की काम है, तो यह चीज़ा तीन चीज़ें याद रखियो, कंप्यूटर का अंक गणित ऑपरेशन भी करता, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता, स्टोरेज भी रखता है फाइल। ओके दोस्तों, जो कंप्यूटर या डिजिटल लिटरेसी रिलेटेड तुसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में बाय करना चाहते हो सिर्फ 44 रुपीज़ में, तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, मेरे नाल गल करके फिर तुसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में बाय कर सकते हो। 5 नंबर की डिजिटल लिटरेसी आएगी, उस PDF फाइल में ही थोड़ी कवर हो जाएगी, एक्स्ट्रा कोई बुक या क्लासेस तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। इस बाद क्वेश्चन नंबर 3 की गल करिए, सब तो पहला माइक्रो प्रोसैसर स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस जनरेशन के कंप्यूटर वरते गए? कहने का भाव की है, इतने माइक्रो प्रोसैसर सब तो पहला किस डिवाइस में किस जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ होने लगे से? तो ऑप्शन ने, जो तुम्हें पता वीडियो में कमेंट करो जल्दी जल्दी, बट इसका राइट आंसर भी मैं तुम्हें दस दिना। तो जी 4th जनरेशन से 4th जनरेशन से, उस विच सब तो पहला माइक्रो प्रोसैसर यूज़ होने लगे से। इस तो पहला की होंगे से, इस तो पहला वाली जनरेशन जी उस विच वैक्यूम ट्यूब यूज़ होंगी सी, जिस करके आप जो भी डाटा ट्रांसफर या सेव रख सकते थे। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 4 की गल करिए, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग डैश होंगे है? कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? यह सबनों पता होगा, इसका आंसर मैं नहीं दिता, वीडियो में कमेंट करके तुम आप ही दस दो। इस बाद क्वेश्चन नंबर 5 की गल करिए, मेमोरी दियाँ दो किस्म हैं, कि किस्म ने? रैम और रोम है जी मेमोरी की दो किस्म ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हाले तक जो तुम सा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया एंड टैलीग्राम से मैंने नहीं ज्वाइन किया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिता, जाके व्हाट्सएप ग्रुप से टैलीग्राम से भी ज्वाइन जरूर कर लो। इस बात क्वेश्चन नंबर 6 की गल करिए, इंटीग्रेटेड सर्किट जिन्होंने आप IC बोलते हैं ना कंप्यूटर, IC चिप किस कंप्यूटर पीढ़ी नाल संबंधित है? मतलब IC सब तो पहला इंटीग्रेटेड चिप होंगी जी, सब तो पहला किस जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ किए गए थे? याद रखो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है, 3rd जनरेशन के कंप्यूटर सब तो पहला IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होने लग गए। इस बात क्वेश्चन नंबर 7 की गल करिए, CD-ROM एक की है? यह की है? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, सैमी कंडक्टर मैमरी है, या मैमरी रजिस्टर है, या मैगनेटिक मैमरी है, या ऑप्टिकल मैमरी यंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल मैमरी है ये, मतलब कि एक डिवाइस है, ऑप्टिकल मैमरी डिवाइस है CD-ROM। याद रखो एग्जाम में बहुत बार ही रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, काफ़ी इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 8 की गल करिए, एक हाइब्रिड कंप्यूटर डैश है, क्वेश्चन यही कहना चाहता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर दोवों नाल मिलता जुलता जो कंप्यूटर होंगे उसको हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम नाल जानते हैं। इस बाद क्वेश्चन नंबर 9 की गल करिए, कंप्यूटर का ALU डैश तो आने वाली कमांडा का जवाब दिता है, कहने का भाव है कौन ALU कमांड दिता है? तो याद रखियो कंट्रोल सैक्शन जो कमांड आती है तो ALU तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की गल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा कंट्रोल सैक्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इस बाद क्वेश्चन नंबर 10 की गल करिए, पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य हिस्सा की सी, मतलब कि मेन पार्ट की सी, जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर आए थे? याद रखियो पहला मैं तुम्हें ऑलरेडी ये दस चुका हाँ, वैक्यूम ट्यूब और बल्ब राही जिहड़ा कि कंप्यूटर विचकार दा डेटा आदान प्रदान करते, मतलब शेयर करते सेव करते, वैक्यूम ट्यूब और बल्ब यूज़ होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब और बल्ब। दोस्तों, इस रिगार्डिंग मतलब कि कंप्यूटर फंडामेंटल रिगार्डिंग प्रोपर क्लास थ्यूरी मैं तुम्हें ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है,
जे शुरू तो सब कुछ समझना है तो वो क्लास देख लो, उसका लिंक मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पर दे देंगे, उत्थे जाके क्लिक करके जरूर देख लो थ्यूरी आ चंगी तरह तुम यह पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए, कंप्यूटर चिप्स दी दो मुख्य किस्म सबनों पता है कि बी प्राइमरी मैमरी चिप होंगी है तो सी माइक्रो प्रोसैसर चिप होंगी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है ये बी और सी कंप्यूटर चिप्स दी दो मुख्य किस्म ने। क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए, हेठां दित्तियां विचों किहड़ा आईसी तीजी जनरेशन के कंप्यूटर लई वरत्या जाता सी। तां काफ़ी इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल एग्जाम विच काफ़ी बार जनरेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखियो ऑप्शन नंबर ए अते ऑप्शन नंबर बी एस एस आई ते एम एस आई ये दोनों जिहड़े आई सी ने इंटीग्रेटेड चिप्स ने यह थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर विच वरती जाते हैं। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 13 की गल करें, कंप्यूटर की पहली जनरेशन में वरती जाने वाली मुख्य इलैक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ऑलरेडी मैं तुम्हें यही दस दिती है कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब और वल्ब यूज होंगे सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जोड़ा होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए, 1 मिली सैकेंड किससे बराबर होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1 सैकेंड का 1000वां भाग में आप 1 मिली सैकेंड के नाम नाल जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस बाद क्वेश्चन नंबर 15 की गल करिए, डैश पहला कंप्यूटर नैटवर्क सी, थोड़ी स्पैलिंग मिसटेक होगी, कहने का भाव है क्वेश्चन का की है, कंप्यूटर का कंप्यूटर नैटवर्क केड़ा सी, मतलब पहला कंप्यूटर नैटवर्क केड़ा सी। ओबवियस है सबनों पता इस रिगार्डिंग मैं ब्रीफली तुम्हें मैं क्लास भी दे दी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है, आर्पनैट सी जिहड़ा है कंप्यूटर नैट पहला कंप्यूटर नैटवर्क से। हुण आर्पनैट की मैं फुल फॉर्म तुम वीडियो में कमेंट करके दस दो, जे नहीं पता गूगल पर जाओ ईजली मिल जूगी, उतो रीड करो तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दो। इस बाद क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए, बाइनरी नंबर डैश भी कहा जाता है, की कहा जाता बाइनरी नंबर बिट भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखो बाइट बिट इको जी नेम ने यह, तो करके बिट सिर्फ बाइनरी नंबर यूज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। इस बाद क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए, पहली जनरेशन का कंप्यूटर बिच डैश भाषा यूज होंगी सी, पहली जनरेशन कंप्यूटर बिच किहड़ी भाषा यूज होंगी सी, मशीनी भाषा ही यूज होंगी सी, जो कि सिर्फ गिने चुने लोग ही समझ सकते सी, मतलब जो साइंटिस्ट से जिन्होंने कंप्यूटर का निर्माण किया समझ सकते आपस में यह भाषा, नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता सी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए, लाइट पेन की है। दोस्तों लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, मतलब कि यह किसी चीज़ से आप इलैक्ट्रॉनिक तौर पर लिखते हैं ना, उसमें आप लाइट पेन के नाम जानते हैं, तो यह एक डिवाइस है। याद रखियो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 की गल करिए, कंप्यूटर विच एक निबल, तुसी निबल वर्ड याद रखो एग्जाम विच बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि निबल की चीज़ है। तो कंप्यूटर विच एक निबल डैश के बराबर होंगे, तो 4 बिट्स के बराबर होंगे, 4 बिट्स में आप एक निबल के नाम नाल भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की गल करिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। इस बाद क्वेश्चन नंबर 20 की गल करिए, मैमरी विच केवी का फुल फॉर्म की है, आप डेली सुनते हैं पढ़ते हैं देखते हैं केवी GB MB है ना, तो आपको कदम यह सोचा नहीं आपने कि इन्हों की फुल फॉर्म की हो सकती है, मैं दस दिन तुम्हें याद रखियो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी का बी राइट आंसर है, किलोबाइट KV की फुल फॉर्म है। ओके दोस्तों